खजाना पत्थर और कुछ चित्र है। फ्रेंड्स आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में स्वागत है। तो आज हम आए हैं भाई कांकेर गढ़िया पहाड़, आपको दिखाते हैं भाई, इतना मतलब रिव्यू करते हैं इसका कि क्या है कैसा है। तो भाई इतना धूप है, आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं भाई, आप भी एक सब्सक्राइब तो बनता है यार, एक चैनल लाइक, एक वीडियो को लाइक तो बनता है। तो भाई तो आज हम आए हैं गढ़िया पहाड़ भाई, और दिखाएंगे आज पूरा क्या है कैसा है सीन। तो पहाड़ ऊपर चढ़ना है अभी, और नीचे का लोकेशन देख सकते हो आप, हम थोड़ा चढ़ चुके हैं और टिकट भी करा लिए भाई। सामने गेट पड़ता है, आपको मैं दिखाता हूँ, वो सामने गेट पड़ता है, दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा देख लो, सामने गेट पड़ता है, वहाँ से हम टिकट करा लिए। गाड़ी का टिकट लगता है ऊपर जाने के लिए, तो टिकट तो हो गया भाई, अब जा रहे हैं ऊपर। तो चलो सीधा ऊपर चलते हैं, उसके बाद आपको वहाँ से दिखाते हैं लोकेशन। हमें ऊपर जाना है, जो पहाड़ दिख रहा है ये सामने गेट है भाई पहाड़ जाने का। आप पीछे देखिए गढ़िया पहाड़ जाने का रास्ता, तो ये सामने एंट्री है, यहाँ से एंट्री होता है, इसके बाद आपको टिकट कराना पड़ता है। अब हम चलो चलते हैं सीधा टिकट कराते हैं, आपको दिखाते हैं वीडियो। ये सामने एंट्री है गढ़िया पहाड़ का, एंट्री गेट है ये, यहाँ से एंट्री होता है, गाड़ी इधर से जाते हैं। ये सामने है एंट्री गेट, यहाँ से टिकट लेना पड़ता है ऊपर जाने के लिए। पहले टिकट लेते हैं उसके बाद ऊपर चलते हैं भाई। आप 10 रुपया हाँ टिकट लेते हैं। CG07 LT54 मुकेश कुमार, मुकेश कुमार यहाँ का फॉर्मेलिटी जल्द से जल्द चलो पूरा करते हैं भाई, उसके बाद सीधा चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पर एड्रेस पूरा देना पड़ता है, एड्रेस प्रूफ कहाँ से कैसा है, तो सब चीज़ें हम सबमिट करते हैं, उसके बाद सीधा चलते हैं ऊपर की ओर। वहाँ का फॉर्मेलिटी पूरा कर लिए भाई, एड्रेस प्रूफ जो भी है वहाँ का फॉर्मेलिटी पूरा कर लिया। अब हम जा रहे हैं ऊपर, और यहाँ से चालू होता है भाई सीधा घाटी, यहाँ से चालू हो जाता है, ये फर्स्ट चढ़ाई है। यहाँ से हम व्यू दिखाते हैं आपको कैसा है व्यू, आप वीडियो पे कंटिन्यू रहना, हम पूरा डिटेल आपको बताने वाले हैं, ठीक है भाई। तो चलते हैं सीधा, एक खड़ी चढ़ाई है यार बहुत ज़्यादा, मतलब गाड़ी मतलब ना बहुत ही ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है, गाड़ी को थोड़ा रोकना पड़ता है, गियर डाउन करना पड़ता है तब चढ़ पाता है भाई, नहीं तो फिर मुश्किल होता है। टर्निंग तो यहाँ का ख़तरनाक है भाई, देख के चढ़ना पड़ता है यार, नहीं तो फिर थोड़ा सा भी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, ऐसा वाला सिस्टम है भाई। और अभी उतना भीड़ नहीं रहता यार, नवरात्रि टाइम थोड़ा ज़्यादा भीड़ रहता है, क्योंकि अभी धूप इतना बहुत ज़्यादा तेज़ है यार, कौन ही आएगा यार यहाँ, तो अभी उतना भीड़ नहीं रहता। लेकिन यहाँ जो चढ़ाई है ना भाई, देख के चढ़ना पड़ता है, नहीं तो थोड़ा सा भी मिस हुआ तो फिर लेना का देना पड़ सकता है। क्योंकि अभी कुछ देर मतलब कुछ साल पहले ना यहाँ घटा था कि लड़कियां ना स्कूटी से इधर गिर गई थी, तो क्या हुआ कैसा उसका तो नहीं पता, लेकिन सुनाई में आया था कि लड़कियां गिर गई है भाई। वो एकदम खड़ी चढ़ाई है यार, ढलान है, वो नीचे आते टाइम तो ढलान है, लेकिन अभी चढ़ते टाइम इतना बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है, धूप तो बहुत ज़्यादा है यार, और चढ़ाई एकदम खड़ी चढ़ाई है। तो एक हाथ से वीडियो बना रहे हैं, एक हाथ से अपन शूट भी कर रहे हैं भाई, चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। तो आए हैं भाई, दिखाएंगे आपको लोकेशन यहाँ का। तो पहले यहाँ थोड़ा बैठते हैं भाई, बैठने के लिए है जगह, गाड़ी को छांव में छोड़ते हैं पहले। अभी तो आधे रास्ते चढ़े हैं भाई, अभी दिखाते हैं यहाँ से बना है पहाड़ों के बीच चढ़ने का। हाँ शांति यहाँ का, इधर दिखाते हैं आप लोग को भाई लोकेशन कैसे लग रहा है आप बताना।
दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ और कुछ घर दिख रहे हैं भाई। इधर तो पूरा पहाड़। इधर पूरा पहाड़, इधर जाना है हमें आगे ऊपर, यहाँ से ऊपर और जाना है इधर। थक लग गया भाई, गर्मी बहुत है यार। थकान लग गया भाई, गर्मी बहुत है, क्योंकि यहाँ थोड़ा रुके हैं, रेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद जाएंगे सीधा हम ऊपर। धूप बहुत तेज़ है भाई, तो हालत ख़राब है। फिर भी आए यार आप लोग के लिए, आपको दिखाना है यहाँ कैसा है क्या है, उसी कारण हम यहाँ आए हैं। आप भी देख सकते हो हवा तेज चल रहा है भाई, पहाड़ के ऊपर हैं। उसके बाद ऊपर जाएंगे सीधा। हमारा भाई, हम इधर से आए हैं और देखो हम अभी ऊपर हैं भाई। यहाँ से सब पहाड़ी पहाड़ देखने को मिल रहा है। अभी गर्मी का दिन है तो इतना कोई नहीं आते भाई, लेकिन नवरात्रि टाइम थोड़ा भीड़ रहता है। और यहाँ अच्छा ही भीड़ रहता है भाई नवरात्रि टाइम। कोई आते हैं भाई, देखो बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ना पड़ता है। आते रहते हैं यहाँ देखने के लिए, क्योंकि यहाँ का नज़ारा ही कुछ नेक्स्ट लेवल है भाई। दूर दूर तक आपको पहाड़ ही पहाड़ दिख रहा होगा यार। तो ये छोटा सा बांध दिख रहा होगा आपको, उसके बाद सब पहाड़ ही पहाड़ नज़र आ रहा है भाई दूर दूर तक। और ये तो बहुत ज़्यादा हम ऊपर हैं भाई, कितना ऊपर बताएं यार, इसका अनुमानित बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। आप देख लो यहाँ से, पता नहीं चलेगा भाई, लेकिन बहुत ऊपर है। अभी मैं अकेले ही आया हूँ भाई। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, क्योंकि भाई जब स्ट्रगल होता है साथ में ना, तो सामने कोई नहीं आते भाई। इसलिए भाई जब अकेला हो ना, तो कभी घबराना मत। आप अकेला हो तो कभी घबराना मत, क्योंकि भाई जब स्ट्रगल साथ में होता है तो कोई साथ नहीं आता। जब कामयाब हो जाओगे ना, लोग आपके पीछे आएंगे। मैं भी अकेला ही हूँ यार, अकेला आया हूँ यहाँ पे, कोई साथ नहीं है, कोई चलो बोलने से कोई नहीं जाते। इसलिए भाई अकेले करना पड़ता है आपके लिए, ये सब अकेले करना पड़ता है। तो आए हैं भाई यहाँ, अब जाएंगे सीधा ऊपर। चलो आपको भी ऊपर ले चलते हैं और दिखाते हैं ऊपर का कैसा है। इधर जाना है, अभी बहुत कम आ रहे हैं यार, एक दो लोग आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, नहीं तो नवरात्रि टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है भाई यहाँ। चलो चलते हैं भाई, इधर जाए हैं अपन, अब इधर आगे चलेंगे। ऊपर जाना है भाई अपन को, जो ऊपर दिख रहा है वहाँ जाना है, जा रहे हैं अभी। ये है बेल का पेड़, बेल का फल लगा हुआ है, पहाड़ों के बीच में है यार। ऊपर मंदिर है, हम दिखाते हैं आपको, ऊपर मंदिर है भाई। यहाँ का जो चढ़ाई है ना, खतरनाक है यार, ये भी खड़ी चढ़ाई है। देख लो भाई, पढ़ सकते हो, ऐतिहासिक किले की दीवार। कंडरा राजा ने लगभग 700 वर्ष पूर्व गढ़िया पहाड़ को एक मजबूत किले के रूप में दिया था। राजा धर्मदेव ने 1345 से 1767 के 67 ईस्वी तक शासन किया था। उस वक्त समय पर राजा धर्मदेव द्वारा गढ़िया पहाड़ को अभेद किले के रूप में परिवर्तित किया था, जहां गढ़िया पहाड़ के चोटी पर स्थित किले के चारों ओर से बड़े बड़े पत्थरों का एक दूसरे पर जमकर एक अभेद दीवार बनाई गई थी, जिसके हिस्से आज भी यथावत खड़े हुए हैं, जिसमें से कई हिस्से आज भी विद्यमान एवं यथावत खड़े हुए हैं। तो भाई ये एक ऐतिहासिक किला है यहाँ गढ़िया पहाड़, 700 वर्ष पूर्व गढ़िया पहाड़ को एक मजबूत किले के रूप में दिया था। तो आप देख सकते हो भाई, यहाँ आगे चलते हैं और भी डाल लेता हूँ ऐतिहासिक धर्म द्वार, जो
आने जाने का रास्ता बनाया गया था उसके लिए है ये। कंडरा राजा धर्मदेव के द्वारा कांकेर रियासत पर 1947 से 1367 ईस्वी तक शासन किया था तथा सैन्य किले के रूप में गढ़िया पहाड़ किले का उपयोग किया जाता था। तो सैन्य किले के रूप में इस पहाड़ का उपयोग किया जाता था भाई, ऐतिहासिक धर्मद्वार। तो ये आने जाने का रास्ता दो रास्ता था और आज भी विद्यमान है ऐसा बोला जा रहा है। यहाँ से बोर्ड देख सकते हो आप, आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो और आगे चलते हैं, आगे क्या मिलता है देखते हैं। ये पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाया गया है भाई इधर आने जाने के लिए। अभी बना है ये रास्ता, पहले नहीं था। ये देखो पत्थर कैसा रखा हुआ है, ये रास्ता अभी बना है भाई, पहले नहीं था। क्या बोला जा रहा है देखो, खजाना पत्थर और कुछ चित्र है ऊपर रखा गया है भाई। देखो ये पत्थर कैसा दिख रहा है, ये श्री राम जी का वन मार्ग, ये देखो ये श्री राम वन मार्ग लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। गाड़ी को हम पार कर दिए, अब दिखाते हैं रास्ता। ये है पुराना रास्ता, देख सकते हो भाई इधर यार, ये है वहाँ, ये है गेट दरवाज़ा, जो दो दरवाज़ा था। और यहाँ इधर है मंदिर कुछ कुछ भगवान, और ये है गेट जो राजा के द्वारा बनाया गया था। बहुत ही ऐतिहासिक है यार, और देख सकते हो पुराना है कैसा दिख रहा है। ये बाकी तो अभी बनाया गया है, बाकी ये पहले का जो मेन जो रास्ता था ये है जो दिख रहा होगा आपको, ये मेन रास्ता था। इधर से ये सीधा जाता है कांकेर। यहाँ बोर्ड पे क्या लिखा है हम दिखाते हैं आपको। यहाँ तो बोर्ड पे कुछ नहीं लिखा है, कुछ लिखा था लेकिन इसको पेंट कर दिया गया, लेकिन कुछ लिखा था पहले। और ये रास्ता ये पूरा नीचे जाता है भाई, ये मेन रास्ता था शायद जाने का, और हम इधर से आए हैं वो सेकंड। लेकिन अभी जो आए हैं उसको तोड़ के पूरा बनाए हैं भाई, उसको मतलब तोड़े हैं, उसके बाद गाड़ी आने जाने के लिए अभी बनाए गए हैं, वो अभी अभी बना है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। तो चलो ऊपर चलते हैं, मंदिर भी है ऊपर में, उधर ले चलते हैं आपको। यहाँ पूरा भीड़ लगे रहता है भाई, अभी तो कम है, अभी ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। सब नारियल वारियल बेचते हैं, नवरात्रि टाइम अभी तो कुछ नहीं है भाई। आगे की ओर आगे मंदिर है, गर्मी बहुत है भाई, हालत खराब, गर्मी बहुत ज़्यादा, तेज धूप है। मंदिर जाने का रास्ता ये है, यहाँ का तालाब, अभी तो कुछ नहीं है यार, भीड़ भीड़ उतना ज़्यादा नहीं है। ये है मंदिर, अभी बन रहा है, कार्य प्रगति पर है। कृपया तालाब का पानी गंदा ना करें, चप्पल पहनकर तालाब में प्रवेश न करें, तालाब में मछली पकड़ना वर्जित है। आदेश अनुसार ग्राम पंचायत गढ़ पिछवाड़ी, ये गढ़ पिछवाड़ी के वन मंडल के तहत आता है भाई ये।
अभी सब एकदम सुनसान वीरान है भाई, अभी कोई नहीं आते यार। और ऐसा मान्यता है यहाँ, हाँ यहाँ का पानी कभी नहीं सूखता, कितना भी गर्मी आ जाए ये पानी कभी नहीं सूखता है भाई। यहाँ पानी रहता ही है, कभी भी आओ चाहे कितना भी गर्मी क्यों ना हो यहाँ पानी रहता है। और ये है मेन मंदिर यहाँ का, आगे दिखाएंगे आपको। है गुफा, देख लो लेक तो नहीं है अंदर में, लटके वटके लेक तो नहीं कहीं है ऐसे का? अरे अच्छा, अरे यार ये तो चढ़ने लायक नहीं, अंदर में बैठे ओ है का? नहीं वो नहीं बोला थोगा, मतलब थोड़ा हॉल टाइप की बैठक लाइक। कहाँ जा पाऊँ यार मैं, है बैग वेग पकड़े हूँ। अंदर में और है का इसी जाके भाई? ऐसे का? नहीं जाऊँगा भाई वैसे में यार, कहाँ पता है? अंदर गुफा थोड़ा और सकरा है बोलते हैं भाई, तो लटक जाऊंगा तो लफड़ा हो जाएगा, इसलिए नहीं गया भाई अंदर। और यहीं बाहर से दिखा दिया, ये तालाब है, यहाँ का पानी कभी नहीं सूखता ऐसा मान्यता है। ये तालाब के बारे में कुछ तो मान्यता था यार, याद नहीं आ रहा है भाई। ये तालाब में कुछ तो मान्यता था, शायद सूर्य की किरण ऐसा कुछ तो था, यहाँ याद नहीं आ रहा है, कहीं लिखा होगा मैं आपको दिखाऊंगा। ये है मंदिर पुराना, जिसको अभी नया बनाया जा रहा है, शिव जी का मंदिर है भोलेनाथ का। जय भोलेनाथ, देख सकते हो भाई आप। और इधर तो सिर्फ बगल खाई ही खाई है, गुफा के अंदर तो नहीं जा सकते यार खराब है भाई। अभी देखने को मिल रहा है, बस घूमने आते हैं यार ऐसी। यहाँ पे एक और मंदिर है भाई, थोड़ा गुफा टाइप का, चलो हम ले जाते हैं आपको। ये राजा का किला था भाई, ये है गुफा टाइप का, थोड़ा से अंदर घुसने से मंदिर है, चलो जाते हैं। अरे यार पहले बैग को निकालना पड़ेगा क्योंकि सकरा है भाई थोड़ा, और गुफा में घुसे तो और मत पूछो। ये मंदिर इधर है, शिव जी बैठे हैं, देख ही सकते हो भाई। इधर है शिव पार्वती, और इधर से बाहर निकलने के लिए तो ये राजा अभी उतना भीड़ नहीं है भाई, क्योंकि थोड़ा माहौल गर्मी का दिन है, बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, हालत तो ख़राब हो गया है, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए मैं यहाँ आया हूँ आपको दिखाने के लिए। तो आई होप यह अच्छा आपको एंजॉय कर रहे होगे। और चलते हैं इधर निकलते हैं, ये तो पूरा उधर यहाँ ऊपर का तो पूरा हो गया कवर। बस भाई यहाँ इतना ही है,
अब थोड़ा बैठते हैं यहाँ, रेस्ट करते हैं, थक लग गया है, डर भी पूरा। अब आगे का वीडियो भाई इतना तबाही व्यू है, तबाही व्यू दिखाऊंगा आपको, लेकिन आगे के वीडियो भाई नेक्स्ट पार्ट में आएगा। ये अगर एक ही पार्ट में बनाऊंगा भाई बहुत ज़्यादा मतलब लंबा हो जाएगा, 40-45 मिनट का वीडियो बनेगा भाई, तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हूँ। आप देख ही सकते हो, कुछ पिक डाल देता हूँ मैं, मतलब व्यू का जो व्यू पॉइंट है वहाँ से देखना भाई, यार नेक्स्ट लेवल है। मतलब मैं पहली बार गया, मुझे खुद मतलब इतना ज़्यादा खुशी हो रहा था भाई उस जगह में। मैं पहले चला मतलब आ गया था यहाँ गढ़िया पहाड़ में, लेकिन जो व्यू पॉइंट है ना वहाँ पहली बार गया, तो वहाँ देख के भाई मतलब क्या, मैं मतलब शब्द ही नहीं है यार मेरे पास, क्या बोलूँ उसके लिए। तो मैं इसका और नेक्स्ट पार्ट लाऊँगा, मतलब अगले पार्ट इसी का नेक्स्ट पार्ट है, एक साथ वीडियो बनाऊँगा तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको दो पार्ट में डिवाइड करके वीडियो मतलब यूट्यूब में डालूँगा। तो आप वेट करना भाई, मज़ेदार है, आगे का पार्ट और मज़ेदार रहेगा। मैं आपको तालाब के बारे में भी बताऊंगा कि उसका क्या मान्यता है, कुछ उसको मान्यता है, मैं मतलब पूछने से पता चला कुछ, मतलब उसको आगे पार्ट में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। तो उसका भी मान्यता है भाई, मैं बता रहा था ना कि कुछ तो है इस तालाब के बारे में ऐतिहासिक करके, तो उस तालाब के बारे में पता चला है, मैं आपको बताऊँगा, नेक्स्ट पार्ट आएगा उसका, आप इंतज़ार करना और व्यू दिखाऊँगा। अंदर नहीं जा सकते भाई क्योंकि यार थोड़ा अकेले ही हैं और अंदर थोड़ा सकरा है बोल रहे हैं, तो उस हिसाब से नहीं जाएंगे वहाँ। इधर देखते हैं इधर क्या है, तो देखो व्यू कैसा लग रहा है भाई, आप भी बताना यार। अबे उड़ ये सब आपको पार्ट टू में देखने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब।